फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कुरकुरे क्रिस्पी भिंडी। ये बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी रहते हैं, ये आपके घर में सब पसंद करेंगे। तो आप इसको ज़रूर बनाएं और मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारे स्टेप्स अच्छे से समझ में आ जाएं और अच्छे से भिंडी को कैसे करना फ्राई आप जानें। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। हमने ले लिया है भिंडी, हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और उसको अच्छे से सुखा लिया है, इसमें थोड़ा भी पानी नहीं है। अभी हम इसको कट करेंगे। तो हम भिंडी ले लेंगे, इस तरीके से हम दोनों साइड काट कर निकाल देंगे और बीच में से कट लगा लेंगे और इस तरीके से हम कट लगा लेंगे और इस तरीके से हम इसको स्लिट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम भिंडी को काट कर रख लेंगे। सारे भिंडी, ये देखिए, इस तरीके से सारे भिंडी को काट कर रख लेंगे। इस तरीके से हमने सारे भिंडी को स्लिट कर लिए हैं, देखिए बारीक से अच्छे से स्लिट कर लिए हैं। और हमने यहाँ पर लिए हैं मसाले, मिर्च पाउडर आपके टेस्ट के हिसाब से, हल्दी 1/4 स्पून, जीरा पाउडर 1 स्पून, टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट, और मैंने यहाँ पर एक लेमन को स्क्वीज कर लिया है। आप लेमन ले सकते हैं या आप ले सकते हैं आमचूर का पाउडर। और मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप बेसन, चने का आटा और 1/4 कप राइस फ्लोर, चावल का आटा। हम सारे इंग्रेडिएंट्स को इसमें मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, आपके टेस्ट के हिसाब से आप मिर्च पाउडर और सॉल्ट ले लें। और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ राइस फ्लोर और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बेसन। हम सारे इसे ऊपर नीचे करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप मॉइस्चर रहेगा तो ये इसको अच्छे से बाइंड कर देगा। आपको ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकते हैं, वरना हम ऐसे ही इसको अच्छे से मिक्स दे देंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स दे दिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 लेमन और इसको भी अच्छे से मिक्स दे देंगे। हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी, बस थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। ये देखिए, मैंने 1/2 ग्लास छोटे ग्लास से डाला है। अब हम इसको मिक्स दे देंगे ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए, ड्राई ना रहे। तरीके से हमने सारे भिंडी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, मसाले में कोट कर लिया है। यहाँ पर तेल को गर्म के लिए चढ़ा दिया है। हम इसको डीप फ्राई करेंगे, इसलिए थोड़ा ज्यादा तेल लें हम इसको। हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम थोड़े थोड़े करके इसमें डालेंगे, फ्रिट कर देंगे इसको अच्छे से। सारे के सारे ना डालें, थोड़े थोड़े करके हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। मीडियम आंच पर इसको पका लें। ये बहुत टेस्टी रहती है, बहुत यम्मी रहती है। दिस इज माय फेवरेट, आई लव भिंडीज। भिंडी फ्राई आप इसको इमीडिएट से ना पलटें, थोड़ी देर अच्छे से पकने दें तभी इसको पलटें, वरना ये भिंडी नीचे से चिपक जाएगी। हम थोड़ी देर इसको पकने देंगे, अगर ये अच्छे से पक जाती है तो नीचे नहीं चिपकेगी, अच्छे से निकल आएगी और पलटने में आसानी होगी। तो आप इमीडिएट से इसको ना हिलाएं, थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ें फिर इसको हिलाएं। हमारी भिंडी नहीं चिपकी, ये बहुत टेस्टी, बहुत कुरकुरी और बहुत क्रिस्पी बनती है। आप इसको दाल चावल या रोटी के साथ भी, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। आप ऐसे ही थोड़े थोड़े करके सारे फ्राई कर लें। भिंडी अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है, अच्छे से पक चुकी है, हम इसको निकाल लेंगे। दूसरे वाले भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ
प्लेट में टिश्यू पेपर डाल दिया है ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए, तो हम इसमें इसको निकाल लेंगे। थोड़े थोड़े करके फ्राई करें, इमीडिएट से सारे फ्राई ना करें ताकि ये अच्छे से डीप फ्राई हो जाए, और इमीडिएट से ना हिलाएं ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। इस तरीके से हम सारे भिंडी फ्राई कर लिए हैं। देखिए बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनी है, और ये आप स्नैक्स के तौर पर इवनिंग स्नैक्स में बच्चों को भी दे सकते हैं, आप उनके बॉक्सेस में भी डालकर दे सकते हैं। आप तो जानते हैं बहुत फायदे हैं भिंडी के, ये मेरे फैमिली का फेवरेट है, मेरा, मेरी डॉटर का, हमारे फैमिली का फेवरेट है भिंडी। तो इस तरीके से बनाएंगे तो सब अच्छे से खा लेंगे, तो ज़रूर आप भी अपने घर में बनाएं, ट्राई करें, और मेरी इस रेसिपी को लाइक तो कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज आप तक लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल देन गाइस, लेट मी सर्व दिस नाउ। ये देखिए मैंने इसको सर्व कर दिया है, अभी मैं अपने बच्चों को और हमारे घर में इसको देने वाली हूँ खाने के लिए। आप भी अपने घर में बनाएं, ट्राई करें और अपने घर में मज़े लेकर खाएं। थैंक यू गाइस।